हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद एमएसआर किचन। दोस्तों, यहां हम शेयर करते हैं आपके लिए होटल और रेस्टोरेंट की ऑथेंटिक रेसिपीज़। तो आज हम लेकर आए एक बहुत ही डिलीशियस डिश, काजू पनीर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, आधा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और एक चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसे थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें एक चम्मच बटर ऐड करेंगे और फिर से इसे थोड़ा भून लेंगे। इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें येलो ग्रेवी ऐड करेंगे। फिर एक कप पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा इसे मिला लेंगे और इसमें एक चौथाई कप वाइट ग्रेवी यानी काजू ग्रेवी ऐड करेंगे। फिर इसमें एक कप क्रीम ऐड करेंगे। थोड़ा इसे मिला लेंगे क्रीम ऐड करके। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। नमक आपके स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून शक्कर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, एक चौथाई टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कस्तूरी मेथी पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ काजू और पनीर। काजू और पनीर डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे एक चौथाई टीस्पून हरी मिर्च, फ्राई किया हुआ हरी मिर्च का पेस्ट। इसे 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है। इसे बटर नान, रोटी, पराठा, कुलचा के साथ में खाए तो बहुत ही लजीज लगता है और टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। हम यहाँ लाते हैं आपके लिए रेस्टोरेंट और होटल की अच्छी अच्छी ऑथेंटिक रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।